मोहब्बत रंग लाई है, हम जश्न मनाएंगे, सागर झलकाएंगे। कैसी तुझको दिल में दे दूं, कैसी तुझसे प्यार कर लूं। धर्मेश दर्शन एक ऐसा नाम जिसने बॉलीवुड के लिए कई सुपरहिट फिल्में बनाई। फिल्म मेकर धर्मेश ने दिग्गज फिल्मकार सूरज बड़जातिया, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर और संजय लीला भंसाली की लीग में भारतीय सिनेमा के सबसे कम उम्र के फिल्म निर्माताओं में से एक के रूप में अपना शानदार करियर शुरू किया। धर्मेश दर्शन एक फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, तो उन्होंने अपना करियर फिल्मी दुनिया में जल्दी शुरू कर लिया। आज यानी 16 मई के दिन फिल्म मेकर धर्मेश दर्शन का जन्मदिन है, तो आइए बात करते हैं धर्मेश की जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प किस्सों की। धर्मेश का जन्म 16 मई 1967 में हुआ और आज धर्मेश अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। धर्मेश के माता पिता दोनों ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे। किसी समय में धर्मेश ने अपने पिता, जिनका नाम दर्शन सभरवाल था, उनके नाम को अपने उपनाम के रूप में अपनाने का फैसला किया और फिर धर्मेश से धर्मेश दर्शन के रूप में मशहूर हुए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कई बड़े निर्माताओं के साथ की। साल 1996 में उन्होंने आमिर खान और करिश्मा कपूर के साथ सुपरहिट फिल्म राजा हिंदुस्तानी बनाई, जो इतने चर्चित हुए कि लोगों के दिलों में फिल्म के डायलॉग और उसके गाने बस गए। क्या रात आई है, मोहब्बत रंग लाई है। राजा हिंदुस्तानी उस वर्ष की सबसे बड़ी हिट होने के साथ साथ 90 के दशक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर के रूप में उभर कर आई और 2019 तक भारतीय सिनेमा के 100 वर्षों में बॉक्स ऑफिस पर चौथी सबसे बड़ी हिट बनी। इस फिल्म को बहुत सराहा गया क्योंकि दर्शन को बेस्ट फिल्म अवार्ड से नवाजा गया, क्योंकि दर्शन ने बेस्ट फिल्म अवार्ड और स्टार स्क्रीन अवार्ड समारोह में राजा हिंदुस्तानी ने कई पुरस्कार एक साथ जीते। राजा हिंदुस्तानी की सफलता के बाद धर्मेश ने 4 साल का एक ब्रेक लिया। वह साल 2000 में 2 रिलीज के साथ लौटे, जिसमें धर्मेश ने फिल्म की कहानी खुद लिखी थी और उनके निर्देशक भी वह खुद रहे। उनकी पहली फिल्म थी मेला। इस फिल्म में आमिर खान के छोटे भाई फैसल खान को भी काम करने का मौका मिला, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म औंधे मुंह गिरी और आमिर खान के करियर की सबसे खराब फिल्म में से एक मानी गई। हालांकि अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी के साथ उनकी दूसरी रिलीज फिल्म धड़कन ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया और ये फिल्म उस साल की चौथी सबसे बड़ी हिट बनी। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। इन दोनों फिल्मों ने धर्मेश को बेहतरीन रोमांटिक निर्देशकों की फहरिस्त में एक मजबूत जगह दी। धर्मेश को बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म और बेस्ट कहानी की कैटेगरी में विभिन्न पुरस्कार समारोह में फिल्म धड़कन के लिए नॉमिनेट भी किया गया। ये समय ऐसा था मानो जैसे धर्मेश दर्शन का नाम निर्देशकों की लिस्ट में सबसे ऊपर हो गया हो। साल 2005 की फिल्म बेवफा दर्शन की अगली फिल्म रही। याद में देखो बना है ये हंसी ताज महल, याद में कोई लिखे शमो, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा है। ये असल में बी आर चोपड़ा की एक क्लासिक फिल्म गुमराह की ही रिमेक थी। ये उम्मीद की जा रही थी कि फिल्म अपने सफल गीतों और जाने माने सितारों के कारण हिट जरूर होगी। हालांकि इस फिल्म ने देश भर में बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर प्रदर्शन किया, लेकिन उस साल की ये सबसे चर्चित मूवी रही। यहाँ हम आपको बता दें कि धर्मेश अकेले ऐसे निर्देशक थे जिन्होंने मात्र 28 साल की उम्र में ही बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा। फिल्म राजा हिंदुस्तानी बनाने वाले बॉलीवुड के सबसे कम उम्र के निर्देशकों में से एक बन चुके थे। एक समय ऐसा भी आया जब फिल्म निर्माता धर्मेश दर्शन ने अचानक फिल्मी दुनिया से एक लंबा ब्रेक लिया और ये वो समय था जब उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। धर्मेश,
जिन्होंने अपने पिता का नाम अपने नाम के साथ जोड़ा। उस धर्मेश के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल भरा रहा। वो इतना टूट गए थे कि धर्मेश ने उसके बाद सिल्वर स्क्रीन की तरफ मुड़कर नहीं देखा। ये वही धर्मेश है जो लगभग 18 वर्ष तक टॉप डायरेक्टर में से एक रहे। अभी के लिए इतना ही। मीडिया दरबार की ओर से फिल्म मेकर धर्मेश दर्शन के जन्मदिन पर उन्हें ढेर सारी बधाई। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।